नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण को लेकर आए दिन किसी न किसी समाज से कोई न कोई आवाज़ देखने को मिलती रहती है। मैं आपको बता दूं, उसी कड़ी में भारतीय बंजारा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक ने आज दिल्ली में पहुँच करके महामहिम और प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और तमाम संभागी विभागों को ज्ञापन सौंपे और उनका क्या कहना है, क्या उनका दर्द है, क्यों नहीं उनके समाज को मिल पाया आज तक आरक्षण और कितनी है उनकी मांगे। आइए हम सुनाएंगे खुद उन्हीं के जुबानी क्या कुछ कहते हैं सुरेंद्र सिंह नायक, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में UPSC ST कमीशन में वाइस चेयरमैन रहा हूँ। हमारा बंजारा समाज का आज 22 फरवरी 2024 को धरना का कार्यक्रम था जंतर मंतर पर, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हमारे धरना को परमिशन नहीं दी गई। किस कारण? अब धारा 144 लगी हुई है। उन्होंने कहा है, पुलिस विभाग के स्पेशल सेल से भी हमारे पास फोन गया कि आपका जो है परमिशन नहीं दी गई, रिजेक्ट कर दी गई है। और पुलिस थाने पार्लियामेंट स्ट्रीट से भी फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे आपकी जो रिजेक्ट कर दी गई है, आप ज्ञापन चार लोग आके हमें बुलाया गया था। अभी हमने अधिकारियों से संपर्क किया है तो उन्होंने कहा है हमें कि आप अपना ज्ञापन, पुलिस विभाग जाएगा आपके साथ में और ज्ञापन जो है ना वहाँ रिसीव करवा के। क्या क्या मांगे थे आपकी बंजारा समाज? बंजारा समाज की मांगे, बंजारा समाज को हमारी सन 1993 से उत्तर प्रदेश सरकार से, यहाँ भारत सरकार को, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को हमारी संस्कृति से प्रस्ताव आया हुआ है। और अभी तक बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में का दर्जा नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं और मैं ज्ञापन आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। अनुसूचित जनजाति में दर्ज करने का ही मामला है और दूसरा जाति जनगणना का भी है, ताकि अगर हो जाती है तो जनगणना के अनुपात में हमें भी लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सन 2013 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास करा के 2013 में भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था। क्वेरी लगी तो फिर 2015 भी प्रस्ताव भिजवाया। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने तो करने का काम किया है। और 17 प्रशासन की रिपोर्ट, वो जो सर्वे भी करवाया था 2006 में, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या ये बंजारा समाज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मांग है या सभी राज्यों के? नहीं, ये सिर्फ हमारी जो है उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की संस्कृति आई हुई है, इसलिए हम बंजारा समाज उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की ही मांग कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या आप लोगों की? उत्तर प्रदेश में करीब लगभग 20 लाख की जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। और अभी तक बंजारा समाज को अगर ST का जो आरक्षण है, जब अधिनियम बनाता, आरक्षण बनाता उसी समय दे दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज का भी विकास हो गया होता। लेकिन बंजारा समाज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर है और इस समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिला है। शोषित समाज बना दिया गया है। आरक्षण अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज सबल हो जाता और हर क्षेत्र में सबल हो जाता। और जिससे जो विकास की बात करते हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं, जब आपका एक धड़ा या एक समाज ही पीछे रह जाए तो आप अपने आप को कैसे मान लेंगे कि हम आगे बढ़ गए। ये सबको साथ लेने, सबका साथ से सबका विश्वास की बात करते हैं। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नायक जी आपका तो हो गया, हमारे बड़े भाई थे, उनको कहा कि आपका तो हो गया, आरक्षण हो गया। और लेकिन जोयल ओराव जी ने हमारे साथ में धोखा किया, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का, कुछ लोगों का किया, लेकिन बंजारा समाज की फाइलों को टच नहीं किया, छोड़ दिया गया। तो अगर 2003 में ही हमारा हो गया होता तो मैं समझता हूँ अब तक हम भी विकास के उसमें मुख्य धारा में। नेता आगे कदम बढ़ाता है तो उसके हर कदम को राजनीति से जोड़ लिया जाता है। हम समाज के नेता भी हैं और पार्टी के भी नेता हैं। आप कह सकते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है, 24 की बात भी कह सकते हैं। लेकिन हम 24 से हटके समाज को लेके जब चल रहे हैं कि समाज को अनुसूचित जनजाति में ST का मुद्दा जो हमारा है 1993 से लंबित है और संस्कृति प्रस्ताव यहाँ है लंबित है, तो उसको करने में क्या दिक्कत है भाई? उत्तर प्रदेश में 2% का आरक्षण है ST के लिए, 27% का OBC के लिए और 15% SC के लिए।
लेकिन ये भारतीय उसमें केंद्रीय गजट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 21% का SC को दिया जा रहा है और 2% का आरक्षण ST को दिया जा रहा है। हमें तो सिर्फ हम किसी भी के आरक्षण में से भी नहीं कटवाना चाहते, हम तो ये कह रहे हैं कि जो 2% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स कर रखा है उत्तर प्रदेश में, हमें उस 2% का आरक्षण ही उसी में से हमें दे दिया जाए। हमें तो उसी में अपना भला नेत लग रहा है, ताकि उसी में सभी, चाहे वो सरकारी या असरकारी सेवा आयोजन हो या फिर विधायिका में हो या कहीं भी हो, लोकसभा राज्यसभा हो या जो है विधानसभा हो, सभी में आरक्षण मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई जो नेता लोग हैं उनको भी अपना कदम आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, और दूसरे जो है ना हमारे समाज का भविष्य और बच्चों का, युवकों का, जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करने आए हैं, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और आपके जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी से ये निवेदन करने आए हैं कि बंजारा समाज को भी आरक्षण मिल जाए और अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए। तो अगर वो 2% के ही आरक्षण में हम अपना भला हो, हमारे समाज का भला हो जाएगा, लेकिन आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा थी तो 2013 में उन्होंने कैबिनेट कमेटी प्रस्ताव का करके संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा दिया, योगी जी ने भी भिजवा दिया 2019 में, लेकिन वो भिजवा तो दिया भाई, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार, प्रदेश में सरकार में जी सांसद क्यों नहीं जवाब। देखिए हमारे समाज का उत्तर प्रदेश में कोई भी सांसद नहीं है, जो जुड़े हुए हैं बीजेपी के सांसदों ने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाई, ऐसी बात नहीं है। हमने धरना दे दे के मैंने जंतर मंतर अलीगढ़ से लेके जंतर मंतर तक 2016 में बंजारा ज्योति को भी लेके आया, शिष्टाचार बंजारा ज्योति। हम तो अनुशासन में और शिष्टाचार पूर्वक कोई कदम उठाते हैं, और ये जो रोल रेलों को और इस तरह का करते हैं उनको जो आरक्षण देते हैं, और जो अनुशासन में रह के कोई कदम उठाते और मांग करते हैं उनका जो है उनको कतई भी उनका लाभ और उसका जो उनका जो है निराकरण, समस्या को निराकरण नहीं कराते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है भारत देश में कि किसकी सुनी जाती है, हम जैसे लोगों की या उन जैसे लोगों की जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं।